हेलो देयर, शेयर्स हियर फ्रॉम गोनर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे इस पेंडेमिक के टाइम पे। आज वन प्लस 70 यूजर्स के लिए गुड न्यूज है, सुनिए। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जैसे कि आप सबको पता है कि वन प्लस 70 के ऑक्सीजन ओएस 11 के अपडेट में जो है वो 11.0.0.2 इसमें बहुत सारे बग्स है, जिसमें बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, हीटिंग प्रॉब्लम है, वाईफाई इश्यूज है और बहुत सारे बग्स है जो आप लोग फेस कर रहे हो। मैंने उसके लिए वीडियोस भी बनाए कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, और अगर आपको एंड्रॉइड 11 पसंद नहीं है तो आपको डाउनग्रेड कैसे किया जाए वो भी मैंने आपको बताया मेरे पिछले वीडियोस में। सो आई होप आपको मेरे पिछले वीडियोस हेल्पफुल लगे होंगे। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर लाइकिंग दोज वीडियोस। पर अभी इसी टाइम पे अगर आप एंड्रॉइड 10 पे हो या आप एंड्रॉइड 11 पे हो, जहाँ हो वही रुक जाइए। अगर आप एंड्रॉइड 10 पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फ़ोन अच्छे से चल ही रहा होगा। पर अगर आप एंड्रॉइड 11 पे हो, आपको अभी भी कोई इश्यूज आ रहे होंगे, हीटिंग इश्यूज हो या वाईफाई इश्यूज या बैटरी इश्यूज, कोई भी इश्यूज हो, फिर भी आप वहीं पे रहिए, ना डाउनग्रेड कीजिए ना कुछ और कीजिए उसके साथ। कुछ टाइम तक उसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि वन प्लस ने ऑफिशियली अपडेट किया है कि वो नया अपडेट ला रहे हैं इसी महीने। जी हाँ, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मई का आधा महीना जा चुका है, मई के महीने में ही नेक्स्ट अपडेट आएगा वन प्लस का, जिसमें सारी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी, बैटरी इम्प्रूव होगी, ऐसा वन प्लस का कहना है। वन प्लस के ऑफिशियल फोरम्स में उनका जो ऑफिशियल मेंबर है अब्दुल, उन्होंने ऑफिशियली एक्नोलेज किया है कि उनको ये प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। आई विल कोट हिम। हाय फ्रेंड्स, वी आर अवेयर ऑफ सम यूजर फीडबैक्स ऑन द रीसेंट ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट फॉर द वन प्लस 70 सीरीज एंड वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स वाया अपकमिंग OTAs। The next OTA will begin rolling out this month. Thank you for your support and we sincerely appreciate your feedback. So, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन्होंने ऑफिशियली एडमिट किया है कि उनको पता है बग्स है इसमें बैटरी एंड परफॉर्मेंस के। सो अपडेट के साथ वो इसी महीने उसको फिक्स करने वाले हैं। सो वी होप कि सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको बग्स आ रहे थे, वाईफाई, हीटिंग, बैटरी, यू नेम इट, सारे सॉल्व होने चाहिए इस अपडेट में, जो नेक्स्ट अपडेट आएगा इस मंथ। और होप वन प्लस कोई और इश्यूज ना खड़े कर दे यहाँ पे, कोई और बग्स ना ला दे ये बग सॉल्व करने में, क्योंकि हाल ही में वन प्लस अपने प्रीवियस फोन्स में ध्यान नहीं दे रहा है। वन प्लस 70 बहुत पुराना हो चुका है, अभी वन प्लस 9 आ रहा है, वन प्लस 9T की बारी है, तो वन प्लस 70 को वो पीछे छोड़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसा ना करे, वन प्लस 70 एक अच्छा फ़ोन है, अच्छे से अपडेट लाएगा, अच्छा रहेगा फ़ोन, यूजर्स वन प्लस के बने रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो वन प्लस इफ यू आर लिसनिंग, ये अपडेट अच्छा अपडेट होना चाहिए, इसमें कोई भी बग्स नहीं होने चाहिए, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ये मेरे और मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपको एक मैसेज है। सो जैसे ही अपडेट आएगा इसी मंथ, मैं इसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊंगा, और आपके अपडेट करने से पहले मैं अपडेट करूंगा अपने फ़ोन में, और मैं आपको रिव्यू दूंगा कि इसमें कोई बग्स है या कैसा चल रहा है, फ़ोन स्मूथ है कैसा है, पूरा मैं डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस दैट वीडियो व्हेन आई अपलोड इट। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं, लेट्स गो नर्ड।